हेलो यार, व्यक्तिगत हेलो। कौन? जी, हाँ कौन? क्यों मैं शेख जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। फोन किया? फोन इसलिए किए, तुम खन्नास हेलो, कहते हो, हालांकि सबसे बड़ा खन्नास तुम हो। मैं फोन ये आया साबित देखो, करने के लिए फोन किया, जलालुद्दीन का फोन खन्नास आया। कौन है ये साबित करने के लिए मैंने फोन किया। आपने रुको रुको रुको, हाँ, तुम खन्नास हो क्योंकि खन्नास का रहने की जगह नापाक और नापाक चीजों को पसंद करता है खन्नास। तो तुम्हारे इलियास कामिनी के नानी नाता पाखाना तुम लोग खाए हो, हेलो इस वजह से तुम लोग खन्नास हो, क्योंकि खन्नास को नापाक चीजें पसंद होती है। हेलो हेलो, हाँ मैं अकरम भाई बोल रहा हूँ। अच्छा, ये हाँ इन्होंने क्या कुछ बोला? इन्होंने खन्नास करके बोला कब और बोला? हम लोगों को खन्नास करके गालियां कब दिया। बोला? हालांकि अभी रिकॉर्डिंग आया, कब रिकॉर्डिंग आया? इनकी तरफ से रिकॉर्डिंग, इनकी तरफ से एक अनीस नाम का देवबंदी को इसने रिकॉर्डिंग भेजा, उस अनीस ने मुझे रिकॉर्डिंग भेजा। उसने तुम्हारे को मेरे बोला? पास मौजूद है हेलो, उसने और तुम्हारे को मुझे बोला? खन्नास, हम लोगों को राजा खन्नासी करके बोल रहा है, नहीं, हालांकि खन्नास देवबंदी होता है, मैं क्या क्योंकि बोल रहा हूँ? देवबंदी की किताब में आज सुनो, तुमको किसने बोला? ये अजगर वर्ग नहीं, अजगर सबकी ने बात है। खन्नास, राजा खन्नासी करके बोला वो कब और बोला? रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी मौजूद है। किसने बोला? ये तुम्हारे कब मौलवी बोला? अभी बोला, आज अभी ही। बोला तो रिकॉर्डिंग भेजो अभी। हाँ, रिकॉर्डिंग देता हूँ। अगर ये बोला है तो आप इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? जब हम मुकाबला करने के लिए आते हैं, ये अगर उनसे मुनाजरा करने के लिए मैं आते हैं क्या तो तुम कहता? दबाकर अभी भागते अजगर ने हो, आपको दौड़े भेजा दौड़े था, सब। अभी अली अजगर ने भेजा था ये। अली अकबर ने भेजा था ये, तो वो हाँ? चेला अपने चेला को भेजता है और चेला ये फैलाता है सारे ग्रुपों में हमारे खिलाफ गाली गलौज बदतमीजी। ये अगर तुमको गाली देना है, बदतमीजी करना है, तो हमारे सामने मुकाबला करो ना। दो बार आके, दो बार तुम्हारे गांव में आया, आने के बाद तुम लोग माफी तलाफी करते हो और ये सब रफा दफा करके भेज दो। अभी बात नहीं होगी, इसके बाद हम एक्शन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे बोल के हमको भेज देते हो। और जब बात हम लोग आते हैं उसके बाद ये फिर बकवास शुरू करता है। हेलो, ये कुत्ते की दुम सीधी नहीं अरे होगी, सुनेगा कुछ? सुनेगा इसको लात मार के इसको गांव से भगाओ, कुछ? सुनेगा पूरे गांव को तबाह बर्बाद कर देगा। अरे कुछ सुनेगा? तो तुमने खन्नासी बोला ना, खन्नासी पर बात करो। हाँ तो सुनेगा, मेरी बात सुनेगा? खन्नास सुनेगा कौन होता है, खन्नास की सिफात किसके हाँ अंदर है, मैं आज साबित करूंगा। हाँ तो सुनेगा, मेरी बात सुनेगा? तो अभी जिससे बात कराए उससे बात कराओ। अरे मेरी बात सुनेगा? तुम मोबाइल तुम लेते हो, वो लेते हैं, कौन है हाँ, वो? तो जो अभी जो बात किया वो कौन था? कौन है पता तुझे? मुझे पता है, या अभी रिकॉर्डिंग भेजने बोले ना, मेरी बात सुनना, रिकॉर्डिंग भेजने बोले तुम मान लेते ना, मेरी बात सुनना। तुम अगर सच्चे होते तुमको कहना चाहिए था कि हाँ मेरा रिकॉर्डिंग है, मैंने भेजा था। अभी सबूत मांग रहा है मुझसे। हाँ तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम सामने हो, मेरी बात तो सबूत हो ना, मेरी बात तो सुनना, मेरी बात तो सुनना, तुम अभी इकरार करो ना उनके सामने, तुमने भेजा था। मेरी बात तो सुनना, तुमने खन्नासी करके बोलकर, हाँ 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 खन्नासी बोलकर तुमने जो भेजा है, अभी इकरार करो उनके सामने। हाँ तूने तूने उनके सामने इकरार अरे मेरी करो, बात तो वो सुनना, मेरी बात तो सुनना, मेरी बात तो बोलो। सुनना, तूने अनीस को वॉइस भेजा ये बोल करके, अली असगरी, असगरी काफिर, जहन्नमी, झूठा, ऐसा बोला? नहीं बोला? अनीस का रिकॉर्डिंग आया तो उसके बाद मैंने अनीस को भेजा। नहीं तो पहले किसका आया झूठ झूठ मत मैं बोल, उसकी मैंने मैंने झूठ क्या, तेरी रिकॉर्डिंग मैंने सुना। फिर देखो तुम कितने बजे भेजे, कितने बजे तुमने कितने बजे भेजा था अनीस को, कितने बजे? हाँ हाँ कितने बजे तुमने भेजा था खन्नासी बोलकर? ये खन्नासी लोग जो है अच्छा, इनका काम नहीं कर रहा है, अपने चैनल को आगे बढ़ा रहा है। उससे पहले तेरी आवाज आई थी? तुमने कितने बजे भेजा? उससे पहले तेरी आवाज आई थी कि नहीं थी? नहीं, मेरी उसके उससे पहले मेरी वाइफ तुम्हारे मकार कहीं का हराम को चंदा चोर है, हराम को चंदा तू चंदा चोर है, तू दज्जाल मक्कार है, तू अभी अपने तेरे जो जिससे बात कराया तेरा हाँ। बाप था वो, उससे कौने? बात करा, फिर पता है बात कौन? करा कौन है पता है वो? उससे बात करा कौन है उससे पता है बात वो? करा हिजरे की तरह हंसता है, उससे बात करा तुमने? कौन है पता तुझे? कौन है वो पता है तुझे? खूब उससे बात करा ना मुझे। अरे चला गया वो, तो बात नहीं करती। पहले अनिस को अभी लाइन पे लो, उससे वो बात कर रहा था, उससे वो बात कर रहा था। अनिस को लाइन पे ले, अनिस को, अनिस को लाइन पे लेता हूँ। हाँ लाइन पे ले, लाइन पे ले, लाइन पे लेता हूँ अनिस को। हाँ लाइन पे ले, पहले तू तेरी वॉयस आई कि पहले मेरी वॉयस आई वो बता देगा, ठीक है? आप अनिस पहले लेता हूँ लाइन पे। हाँ अगर वो बोल दिया कि पहले तेरी वॉयस करे को भेजा उसने,
तो क्या करेगा तू? उसे बोलने कोई एतबार नहीं उसके, कहने ना कहने मेरे पास जो रिकॉर्डिंग आया है फिर क्यों ले रहा है? स्क्रीन शॉट भी भेजता हूँ रिकॉर्डिंग करके भी सुनाता हूँ। हराम करो सुनना, मर्दू जहन्नमी मेरी बात सुनना, वो जहन्नमी मेरी बात सुनता है। टाइम है, उसका टाइम लगा हुआ है, काफी चंदा क्यों बोलता है? काफी चंदा से मेरी बात सुन, कितने बजे भेजा है? चंदा चोर काफी मेरी बात सुन, हरामखोर लाइन पे उसको लाइन पे तू सुना ही नहीं भाग गया हो, सुनता ही नहीं किसी का। मोबाइल देकर बात कराया, तेरा बाप था मोबाइल, और तेरा बाप था मोबाइल जिसके मस्जिद में तू आया था ना, वो याद नहीं था। मोबाइल उसको दे, तेरा जिससे अभी बात करा है ना उसको मोबाइल दे। भाग गया तो सुनता ही नहीं बात उसकी, तेरा आदमी था वो तो सुनता ही नहीं उसकी बात। मोबाइल देना, तू से बात करा ना, आराम को सुनता नहीं किसी की, साला कभी वो मोबाइल देता है। चंदा चोर करा उससे, चंदा चोर किसी सुनता ही नहीं है। चंदा चोर है तेरे गाँव में आया तो फील्ड में घुस गया था तू, मेरा चंदा चोरी सबूत दे, मैं चंदा चोरी तेरे कमेटी वाले ने मुनाजरा करने से इनकार क्यों किया? किसने इनकार किया? इनकार किया था कि तुझे बोला करने से इनकार नहीं किया? नारा मैं बोलूं, मैं बोलूं दोबारा बात नहीं होगी, सामने जाकर हमने मुतालबा किया, सदर बोले आगे से बात नहीं होगी। हम आला हजरत की ताजीम करते हैं, आला हजरत को मैं पूरी उम्मत पर आला हजरत का एहसान है, तेरे सदर की जुबान से ये बातें निकली, शर्म नहीं आती तुझे? अब मैं बोलूं, तू काफिर कहता है, मुझे बोलने देगा? सदर कहता है मुझे बोलने देगा? मुझे बोलने देगा? तेरे सदर पर क्या हुक्म लगेगा? मुझे बोलना, मुझे बोलूं मैं? तू तेरे सदर पर क्या हुक्म लगेगा? अब मैं बोलूं ना, अब मैं बोलूं, अब मैं बोलूं सदर पर क्या हुक्म लगेगा? मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ सर। अब मैं सुन, जब तू यहाँ पे आया था तूने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए कि अली असगर झूठा है, उसके पीछे नमाज नहीं हुई, ठीक है? हमारे सदर ने कहा कि जो भी बात होगी, जो भी बात करोगे मस्जिद के बाहर जाओ, बराबर ना? सदर ने कहा मस्जिद के बाहर जाओ, मेरे सामने की बात मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। सदर ने बोला जो भी बात करोगे, सदर ने बोला जो भी बात करोगे मस्जिद के बाहर जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। मैंने कहा था वजू खाना में बैठो, असर की नमाज का टाइम हो गया है, जो बात करेंगे वसूल शराइत तय करेंगे, उसके बाद असर के बाद बात करेंगे, ठीक है? ये बात हुई थी, लेकिन जैसे नमाज में खड़ा हुआ मैं, तो वहां से भाग गया तेरे आदमी को लेकर के। दूसरे दिन कज़्ज़ाब तूने वीडियो बनाकर भेजा कि अली असगर अपनी मस्जिद की भागा, जैसा जलालुद्दीन देवबंदी अली घर घर पे गए, मस्जिद में गया, अली असगर वहां से ही भागा, जबकि तेरा आदमी मौजूद था, मैं नमाज में खड़ा हो गया था। लेकिन तू कज़्ज़ाब दज्जाल मर्दूद जहन्नमी झूठ बोल करके जहन्नमी ठिकाना बनाया है, बोला कि अली असगर भाग गया है, जबकि मैं मस्जिद में नमाज में सुन, मेरी बात सुन, मुझे बोलने दे, खुलासा कर रहा हूँ। तूने फोन किया है मस्जिद का कज़्ज़ाब का, मेरी सुन पहले, तूने फोन किया है, तेरा मस्जिद का आदमी है, तू खुद कह रहा है, तू खुद कह रहा है कि मस्जिद में कुछ नहीं होगा, पहले सदर ने कहा था। किसने बोला? तो पहले सदर की बात मानी जाएगी या तेरी बात मानी जाएगी? अच्छा अब मैं बोलूँ, सदर ने कहा मस्जिद में कुछ नहीं होगा, तो हम उस बात पर एतमाद किए कि हम मस्जिद में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तू जो कह रहे हैं वजू खाने में बैठ, बाद में वजू खाने से भी हमको हटा दिया तेरे कमेटी वालों ने, दूसरे लोगों ने हमें वजू खाने से भी हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। फिर हम सदर के घर में जब गए, मैं तुझसे जो सवाल कर रहा हूँ, तू खत्म बात कर रहा है, मैं तुझसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, सदर के घर में जब बात हुई थी तो सदर ने कहा कि आला हजरत पर पूरी आला हजरत का एहसान पूरी उम्मत पर है। झूठ बोल रहा है, आला हजरत झूठा झूठा ज्यादा ही हम कहते हैं, झूठा बात नहीं, हम मानते हैं झूठा। तो तू पहले मस्जिद की बात कर रहा, तू झूठा है। जब हम घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद सदर से बात हुई, अगर हमको भागना होता, बेहया बेगैरत, हमको भागने वाला कह रहा है, अगर भागना होता तो हम सदर के घर क्यों जाते? अच्छा, तो मस्जिद में हमको छेड़ने नहीं दिए, उसके मुताबिक वो खुद कह रहा है। अब मैं बोलूं, सदर कह रहा है कि यहाँ मस्जिद में कुछ नहीं होगा, तो मैं तेरी बात मानूं या तेरे सदर की बात मानूं? अब मैं बोलूं, पूरी दुनिया के लोग कहेगा, पूरी दुनिया के हर आदमी कहेगा कि सदर की बात ज्यादा मोतबर है, क्योंकि मस्जिद सदर चलाता है, इमाम नौकर होते हैं, इमाम मस्जिद के नौकर होते हैं। सदर की बात के खिलाफ तू कह रहा है मस्जिद में बात होगी, और जब मैं मस्जिद में वजू खाने में बैठे, तो तेरे लोगों ने मुझे हाथ पकड़कर निकाल दिया। अब तू उसके बाद बता, हम निकाल दिए थे दोबारा, हम फिर घुसेंगे मस्जिद में? अच्छा, अब मैं बोलूं, सदर के घर गए, सदर ने कहा, अब तू मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय दूसरी तरफ भाग रहा है,
तू ये तू काफिर कह रहा है तो किसका फतवा मोतबर है बता? अच्छा काफिर को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाला क्या? अब मैं बोलूं ठीक है, अब खामोश रहना। तो ये तुमने कहा कि सदर ने, खामोश, तुमने कहा कि सदर ने मुझे हाथ पकड़ के भगा दिया ठीक है। अब मैं बोल... नहीं बोला, झूठ बोल रहा है। देखिए सामने झूठ बोल रहा है। तो किसने बोला? कहा कि सदर ने जब कहा कि मस्जिद में कुछ नहीं होगा, बाहर चले जाओ, और हम जब बाहर चले जाओ बोले वजू खाने में बैठे रहे, फिर इसने कहा कि नमाज के बाद मस्जिद में बैठेंगे। तू खुद कहा आज इतराज किया, तो दूसरे आदमी ने मुझे हाथ पकड़ कर बाहर कर दिया, तब सदर ने हाथ पकड़ के बाहर नहीं किया। फिर हम नमाज के बाद सदर के घर गए तो सदर ने कहा कि आला हजरत का एहसान हम पर सारी उम्मत पर है और आला हजरत को हम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तो तू आप बता, रहमतुल्लाह अलैह सदर कह रहा है और मुझे बोलने दे, फिर को रहमतुल्लाह मुझे बोलने सदर पर क्या हुक्म लगेगा? अब मुझे बोलने दे, ठीक है? पूछा दूसरी तरफ, मुझे बोलने दे। तूने बात कही, तूने बात काफिर को रहमतुल्लाह कहने पर क्या हुक्म है? नहीं, तूने इतनी बात की खुलासा करो ना, उसका खुलासा करो ना। तूने कहा सदर जब ना बोल दिया तो मैं किस तरह मस्जिद बना रखा? खुलासा करो, खुलासा करो। भाग रहा है इधर उधर, भाग रहा है जवाब नहीं ले रहा, आज तक बोल रहा था कि जवाब नहीं दे रहा है। तूने खुद इकरार किया, पहले सदर ने कहा मस्जिद में कुछ नहीं होगा, फिर तूने खुद कहा, सदर का कहना है मस्जिद में कुछ नहीं होगा, जो करना बाहर जाओ। फिर हम वही खड़े रहे, फिर तूने बात आकर कहा कि नमाज के बाद चढ़ाई तय करेंगे, मुनाजरा करेंगे मस्जिद के अंदर, तो कुछ नहीं होगा। फिर तू क्यों कह रहा है कि मस्जिद में मुनाजरा होगा? सदर कह दिया और तू फिर इकरार कर रहा है, तेरे सामने कहा था सदर ने। अब तेरी बात कोई ऐसा नहीं है, सदर को तू कहता इससे मुनाजरा हम करेंगे। अब मैं बोलूं, करना नहीं था। अब मैं बोलूं, साबित होता है अभी। मैं बोलूं ना, सामने बैठेगा, बोल, सामने रखेगा, 10 मिनट में तुझे काफी सारे। अब मैं बोलूं ना, हाँ, तूने ये बात कही, जब फोन मत करना, फोन मत करना नंगा करूंगा तुझे। जवाब ले, बोलूं मैं? अब मैं बोलूं अस्तगफुरुल्लाह, गाली दे रहा है सामने, गाली दे रहा है, अस्तगफुरुल्लाह, भाग मत, आज से नंगा कर रहा हूँ, भागना मत, तेरी शिकस्त होगी आज, तेरी शिकस्त का ऐलान होगा आज, अगर तू भागेगा तो शिकस्त का ऐलान होगा। सवाल ये है, रहमतुल्लाह अलैह कहा, हाँ जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, काफिर को रहमतुल्लाह अलैह कहने पर सदर पर क्या हुक्म लगेगा? बोल रहा हूँ ठीक है, सदर पर क्या हुक्म लगेगा? अब मैं बोलूँ, जवाब दे रहा हूँ ना, मुकम्मल जितनी बात ना, लोगों को सब पता चला हकीकत है क्या? सदर ने रहमतुल्लाह ने कहा और तू काफिर कहता है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, बोलो मैं जवाब दे। हाँ, तुम्हारे आला हजरत को रहमतुल्लाह का कोई कहे, उसके कुफर का वाजिश के पास ना हो, दलील ना हो, तहकीक ना हो, रहमतुल्लाह अलैह कहे तो उस पर कोई हुक्म नहीं लगेगा, इसलिए कि तेरा आला हजरत ने तेरी किताब के अंदर, तुम्हारी किताब के अंदर जो तुम्हारे मसलक में मोतबर है, ऐसे लोगों ने कासिम नानदी रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, ठीक है? अब मैं दलील दे रहा हूँ, सुने देख करके। अब दूसरी बात, एक सारे झूठ है, तो इतने साल के बाद सुन, इतने साल से तू इमामत कर रहा है, मुझे बोलने नहीं देगा? उसके पास दलील, तूने सारी दुनिया को दलील दे रहा है, ये झूठ देती है। आमीन हजरात। अब इसके सदर को दलील, इसके सदर के पास माज अल्लाह आला हजरत के कुफर का, इसके सदर के पास दलील नहीं है, और ये आजकल सोशल मीडिया पर सारी दुनिया को दलील देते फिर रहे, सारे दुनिया को दलील देते फिर रहे, उसने अपने सदर को दलील नहीं दिया। अच्छा, इतने बड़े बेगैरत, कितना बेहया, बेगैरत काफिर है ये। जवाब दू? मुझे बोलने देगा? मुझे बोलने देगा? मुझे बोलने देगा? सदर ने
सदर के पास सदर के पास सारी उम्र पर एहसान है, एहसान है, वो ऐसा नहीं बोला है, जो बोला है बोलू मैं, आप अब मैं बोलू, मैं जवाब दूँ, आशरफ को फोन आज मैं फोन मत करना, हाँ जवाब दे रहा हूँ, मिल चुका है, हाँ सुन सदर के पास सुन, हाँ हाँ तो एक बात की औलाद है, आखिरी वाले में देकर नमाज का कल हो रहा है, भाग मत भाग मत, सामने देखा भाग रहा है, सामने देखा भाग रहा है, नमाज नमाज का ध्यान भाग रहा है, सामने सामने इसका आदमी खुद फोन लिया, फोन बात कर रहा था, उसको भी उसकी भी नहीं सुनाई थी, चलो तो फिर सदर को इसके खिलाफ बयान जारी कर तेरे सदर की जुबान से मैं दलील मुझे मिल चुका है और मैं आज के बाद मैं अपने जो पहली बात है उसको इंतजार करता हूँ, मैं रुजू करता हूँ, रिकॉर्डिंग टू भेज, रिकॉर्डिंग टू भेज, दूसरा मौसी करता हूँ, रिकॉर्डिंग टू भेज, जहाँ हमारे सदर ने दुनिया को धोखा देता है, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, अरे मेरी बात, वो दलील मुझे दे जहाँ हमारे सदर ने तेरे मर्दूद को खराब काफिर को रहमतुल्लाह अलैह कहा है, दलील दे, सारी दुनिया फोन मत करना, फोन मत फोन मत करना, फोन मत करना, शामिल देखे फोन काटेगा, अभी फोन काटेगा, मतलब सुन मेरी बात सुन, अब मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, फोन मत करना।